नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं कविता सिवरान, हिंदी व्याख्याता, आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आज RPSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, संस्कृत शिक्षा विभाग में जो कुछ भर्तियाँ निकली थी, पद थोड़े थे लेकिन निकली थी और कुछ के भी फॉर्म भरे जाएंगे के तो उसमें, तो उसकी RPSC ने डेट जारी कर दी है एग्ज़ाम की, और डेट भी अभी की नहीं दी, बहुत लंबा समय दिया है। नवंबर में संस्कृत में प्राध्यापक जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है उसका एग्ज़ाम होगा, और दिसंबर में वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम होगा, यानी 31 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो जो साथी फर्स्ट ग्रेड में सामान्य शिक्षा में व्याख्याता की भर्ती आएगी इस उम्मीद में तैयारी की लगी हुई थी, वो आज विचलित हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि RPSC ने तो 31 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया है, इसका मतलब बीच में अब कोई वैकेंसी आएगी नहीं, फर्स्ट ग्रेड की 2025 पर बात गई, यानी उससे पहले तो कोई परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की, ना ही कोई फॉर्म आए, विज्ञप्ति आई है अभी। तो आप साथियों बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ऐसी स्थिति में अपने मनोबल को टूटने ना दें, विचलित ना हों। अगर आपने ऐसी स्थिति में एक बार अपने मनोबल को गिरा दिया और आपने निरंतरता को तोड़ दिया तो फिर आप वहीं आ जाओगे जीरो पर। तो बिल्कुल भी आपको टूटना नहीं है साथियों, ये कोई अनंतिम नोटिफिकेशन नहीं है RPSC का कि ये तय हो गया तो बस हो गया, बीच में विज्ञप्ति आ सकती है, कभी भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। जैसा कि आप समाचार पत्र में देखते भी होंगे, बहुत सारी पोस्टें व्याख्याता की खाली हैं स्कूलों में, तो वो ज़रूर भरी जाएंगी, ये तो तय है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि 2024 में अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, RPSC ने तो जारी कर दिया नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक का, कभी भी विज्ञप्ति आ सकती है। आप बस अपनी तैयारी को पूरा रखें, और जिन साथियों ने संस्कृत शिक्षा विभाग में निकली इन भर्तियों में फॉर्म लगाए हैं या लगाएंगे, उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। जो नए साथी हैं वो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आप सभी को तो एक ही की पोस्ट चाहिए, पोस्ट चाहे कितनी भी हो, आपको तो एक ही लेनी है, तो चाहे कितनी भी कम पोस्ट हो या ज़्यादा हो, आप फॉर्म ज़रूर लगाएं। और कुछ नहीं तो तजुर्बा तो ज़रूर होगा आपको एग्ज़ाम में बैठने का, कैसा क्या पेपर आता है उसको देखने का, और आपकी तैयारी का भी परख हो जाएगी कि आपकी कितनी तैयारी है। तो साथियों फॉर्म ज़रूर लगाएं अपना, और बिल्कुल भी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो साथी ना घबराएं कि अभी फर्स्ट ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, आएगी ज़रूर आएगी साथियों। वैसे तो हम कोई RPSC के मेंबर तो है नहीं जो पक्का बता दें आपको कि कब आएगी क्या आएगी, लेकिन साथियों जितना अनुभव है, जितना हम जानते हैं कि पोस्ट खाली हैं, बहुत सारे पद रिक्त हैं शिक्षा विभाग में, व्याख्याताओं के स्कूलों में पद खाली पड़े हैं, तो वो भरे तो जाएंगे, ये तो है नहीं कि वो खाली रहेंगे, तो वैकेंसी तो ज़रूर आएगी साथियों। बस आप डटे रहो, ऐसा नहीं है कि आप अब ये सोच लो कि संस्कृत शिक्षा विभाग में तो थोड़े से पद हैं उसमें आप फॉर्म लगाओ ना, और कि सामान्य शिक्षा में अभी कोई विज्ञप्ति आई नहीं है और 2024 में तो आएगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2024 में आपको सामान्य शिक्षा में भी व्याख्याता की बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी आने वाले समय में। बस हाँ इतना हो सकता है उसका एग्ज़ाम जनवरी 2025 या फरवरी 2025 तक हो सकता है, और फिर ये तो है ना कि RPSC इससे पहले एग्ज़ाम करवा नहीं सकती, अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो इससे पहले दोबारा भी तो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है भर्तियों का, ये तो है ना कि 31 दिसंबर तक का ये कर दिया तो इससे पहले अब कोई परीक्षा हो नहीं सकती, ये RPSC संस्था है साथियों या कुछ भी हो सकता है। जैसा कि पीछे के एग्ज़ामों में भी आप देख रहे हो, जैसे अभी हमारा जो अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था साथियों, दोनों पेपरों में कुल 20% डिलीट हो गए हैं, तो जिनका हो गया है उनको तो साथियों बहुत अच्छी बात है जिनका हमारे जैसा हुआ हो गया है, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमसे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत की थी और वो इन डिलीट प्रश्नों के फेर में रह गई। तो साथियों कहते हैं ना कि जिसको लगती है वही जानता है, तो मेहनत तो हमने भी बहुत की थी लेकिन हम लग तो गए, और जिन साथियों ने कहीं हमसे कहीं ज़्यादा कई गुना मेहनत की होगी और वो इन रिलेट प्रश्नों के कारण रह गए हैं, तो ये साथियों क्या होता है, ये समय का फेर होता है, उनका अभी सही समय आया नहीं था इसलिए प्रश्न डिलीट हुए, और उनके जो सही प्रश्न थे वो डिलीट में ज़्यादा चले गए, और जिनके गलत प्रश्न ज़्यादा थे वो उनका समय आया हुआ था तो डिलीट के चक्कर में साथियों कई ऐसे साथी हैं जिनका बहुत कम नंबर बन रहे थे लेकिन लास्ट में डिलीट होने के कारण उनका नंबर आ गया, और जिनके बहुत अधिक नंबर बन रहे थे पहले की के अनुसार वो रह गए हैं।
तो साथियों वो बिल्कुल टूटे हुए हैं, तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपका सही समय आया नहीं है साथियों, इस भर्ती में ना सही, अगली भर्ती में आपका बहुत अच्छी रैंक के साथ चयन होगा। हौसला बनाए रखने, अपने आप को थामे रखें मैदान में, टूटने ना दें, कोई दूसरा आपको थामने वाला नहीं है, खुद हौसला बनाकर और तैयारी करते रहो साथियों। पता है जब रह जाते हैं पूरी मेहनत करने के बाद तो बहुत दुख होता है, और जिसकी लगती है उसको ही पता होता है कि दर्द कितना होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं सर, RPSC जितनी इतनी बड़ी संस्था जब ऐसे प्रश्न पत्र बनाने वाले विषय विशेषज्ञ रखती है, 150 प्रश्न बनाते हैं, उसमें से 16 प्रश्न मायने रखते हैं, डिलीट हुए हैं हिंदी में सब्जेक्ट में, तो क्या कह सकते हैं। एक जो पीड़ित अभ्यर्थी है वो कहाँ जाए, किसको अपना दर्द सुनाए, कोई उपाय नहीं है उसका, बस रह गया बेचारा माथा पकड़कर, जो इतनी अच्छी तैयारी के बाद भी जिसका चयन डिलीट प्रश्नों के कारण रह गया है। धोखा तो उसको है साथियों, जिसकी तैयारी कमज़ोर थी उसको इतना धोखा नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने पूरा जी जान लगाकर मेहनत की थी, बहुत लंबा समय दिया था, और उन साथियों का डिलीट प्रश्नों के कारण रह गया चयन होने से, वो बहुत दुखी हैं। तो उन साथियों से इतना ही कहना चाहूँगी, आप अपने मन को समझाएं, आपका सही समय भी आया नहीं था, लेकिन आप ये बात याद रखें साथियों, आपकी की हुई मेहनत कहीं नहीं जाएगी, माँ सरस्वती अपना ऋण ज़रूर चुकाएंगी, आप विश्वास रखें खुद पर और खुदा पर, दोनों पर, तो आपका अगली भर्ती में बहुत अच्छी रैंक के साथ चयन होगा। तो साथियों आज मैंने नोटिफिकेशन देखा, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि पता नहीं है भर्ती कब आएगी, देख लेना आप 2024 में ही आपको सामान्य शिक्षा में व्याख्याता की बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन आप अब ऐसी जो समय चल रहा है इसमें आप छोड़ मत देना, वरना तो आप फिर वही जैसे सांप सीढ़ी में होता है ना, 99 से अगर आप फिसलते हो तो वापस सीधा 0 पर आते हो। तो अगर आपने अब कहीं कोर्स ले रखा है, 1-2 बार पाठ्यक्रम कर लिया है, और अगर बाई चांस भी आपने बीच में गैप दे दिया, तो फिर आप वहीं वापस 0 पर आ जाओगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, अपनी निरंतरता को टूटने मत देना, लगातार लगे रहना, चाहे थोड़ा बहुत कम पढ़ पाओ लेकिन बिल्कुल छूटने मत देना पढ़ाई को, कि कहीं आप किताबों को एक तरफ ही रख दो कि हाँ अब तो 2024 हो गई कोई भर्ती नहीं आएगी, नहीं। अगर ऐसी हालत में आप किताब छोड़ देते हो तो फिर आप बहुत दूर चले जाओगे अपने लक्ष्य से। तो ध्यान रखना साथियों, बस ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि आप विचलित ना हों, निरंतरता बनाए रखें, जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी व्याख्याता की, एग्ज़ाम 2024 में नहीं तो 25 में शुरुआत में हो जाएगा साथियों, एग्ज़ाम भी होगा जब विज्ञप्ति आएगी तो, लेकिन आप तो अपनी तैयारी पूरी रखें, अपना कर्म पूरा करें साथियों, फल की चिंता ना करें, बस कर्म करते रहें, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म ही है। अब आप कहोगे कि कर्म कितना सा करें, फल की चिंता क्यों ना करें, जाहिर सी बात है जब कर्म करते हैं तो फल की भी इच्छा होती है, लेकिन साथियों फल हमारे हाथ में नहीं होता, और जो चीज़ हमारे बस की नहीं होती उस पर हम घुस कर नहीं सकते, तो फिर उसकी टेंशन भी क्या लेनी। आप तो बस अपना कर्म ईमानदारी से करो साथियों, इतना ही कहना चाहूँगी। तो मिलते हैं फिर कभी, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।